हेलो दोस्तों, यह साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी सुनी वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, मैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर स्टूडेंट और मेरे कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सतना और मेरा जो है इस कॉलेज पे लास्ट ईयर है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरा जो कॉलेज है वो DHS या DME है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, तो मेरा जो कॉलेज है वो है DHS डिपार्टमेंट से। एंड इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि DHS डिपार्टमेंट में या फिर DME में अगर कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं तो बीएससी नर्सिंग में आपको स्टाइफंड कितनी मिलती है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करते हैं, आपको एडमिशन मिलता है, तो इसमें जो स्टाइफंड है वो 3,500 रुपये महीने मिलती है। एंड इसके साथ ही अगर आप GNM ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट से पहले होता था लेकिन अभी इस साल से तो नहीं होता था, बट आपकी रूल बुक में फिर से आया है, तो मे बी स्टार्ट हो या जो भी हो, तो पता नहीं, उसका कुछ कह नहीं सकते। तो GNM में जो स्टाइफंड है वो 3,000 रुपये मिलता है। एंड इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि दीदी एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। तो देखो, इसमें एडमिशन के लिए सिंपली अभी आपका जो है रिजल्ट आ चुका है, जो कि इंडिविजुअली आया है। एंड इसके साथ ही अब क्या हुआ, एक मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम, रैंक, आपकी एज और आपके जो मार्क्स हैं वो लिखे होंगे। देन उसके बाद क्या होगा कि कट ऑफ आ जाएगा, मतलब जब आपका ये लिस्ट आ जाएगा, रैंक आ जाएगी, तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। तो काउंसलिंग आपको कराना होगा जिसमें जो भी कॉलेजेस होंगे, जैसे गवर्नमेंट के, मतलब DHS डिपार्टमेंट के, ऑटोनोमस मतलब कि DME डिपार्टमेंट के, एंड इसके साथ ही प्राइवेट कॉलेज और GNM के कॉलेज, इन सभी कॉलेजेस की जो है वो लिस्ट आ जाएगी। और आपको आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज जो है वो चूज़ करने होंगे। मतलब जैसे गवर्नमेंट के 10 कॉलेज हैं तो आपको 10 में से पहले कौन सा चाहिए आपको वो चूज़ करना होगा। एंड उसके बाद जो जो ऐसे करके आप सबको सिक्वेंस वाइज रख देंगे और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कोई भी कॉलेज जो है, जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके लिए सही होगा, वो आपको अलॉट हो जाएगा। एंड देन आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। उसके बाद पहले आपकी मेरिट लिस्ट आ गई, मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग होगी, एंड काउंसलिंग के बाद आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। तो अलॉटमेंट लिस्ट पे क्या होगा कि आपके नाम के सामने आपका लिखा होगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। एंड देन जब आपको पता चल जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तो फिर उसके बाद आपको एडमिशन की डेट आ जाएगी कि एक वीक के अंदर, जनरली एक वीक का टाइम मिलता है कि आपको जाके रिपोर्ट करना है, वहाँ पर एडमिशन लेना है। तो एक वीक के अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर उस कॉलेज पे चले जाएंगे एंड आपकी एडमिशन की जो प्रोसेस है वो पूरी कर लेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप चले जाएंगे। और जैसे नॉर्मली अपने स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस होती है, वही प्रोसेस वहाँ भी होती है। लेकिन एक चीज़ होती है कि वहाँ पे आपको बॉन्ड भरना होता है। अगर आप ऑटोनोमस कॉलेज चले जाएं या फिर DHS कॉलेज चले जाएं, प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसा कोई बॉन्ड नहीं रहता, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको पैसे कुछ देने होते हैं वहाँ पर। लेकिन जो DHS और DME डिपार्टमेंट के कॉलेजेस होते हैं, इन सभी कॉलेज में आप छोड़ते हैं तो आपको 2,00,000 रुपये बॉन्ड भरना होता है, तभी आप छोड़ के जा पाते हैं। तो आपको बॉन्ड साइन कराया जाएगा जिसमें आपको, मतलब या तो आपकी खेती वगैरह होगी वो, या फिर जिसके मम्मी पापा जॉब में होंगे तो उससे जो है आपका बॉन्ड बनेगा। एंड अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको वो बॉन्ड पे करना होगा, उसके बाद ही आप किसी दूसरे कॉलेज में या आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको वहाँ जाने के लिए मिलेगा। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस रहेगी। देन आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर आपको वहाँ कॉलेज से डेट मिल जाएगी कि आपको इस डेट तक जो है यहाँ पर आना है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि एडमिशन के ज़्यादा दिन तक आपको घर पे नहीं रहने दिया जाता है। हम लोग तो, मैं बता दूं, मैं आई थी एडमिशन कराने, तो मैम ने कह दिया था कि तुम अभी रुक जाओ यहीं पे, अपना सारा सामान वगैरह मंगा लो। लेकिन ये था कि मैं थोड़ी दूर थी, मतलब मेरा घर जो है यहाँ से दूर है, तो मतलब मेरी मम्मी ने बात कर लिया कि हम अभी नहीं भेज पाएंगे, हम बाद में भेज देंगे, तो आप कोई डेट दे दीजिए। तो मैं यहाँ से जाने के बाद एक वीक घर पे रही, उसके बाद मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया एंड देन मैं यहाँ पर आई। तो ये प्रोसेस है आपके एडमिशन की। और रही बात DHS और DME की, तो DHS में आपकी जो है एडमिशन फ़ीस वगैरह नहीं लगती है, एंड इसके साथ ही आपका हॉस्टल चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। बट हाँ, आपकी बुक्स का खर्च, ड्रेस का खर्च और आपके खाने का खर्च आपको खुद उठाना होता है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप ऑटोनोमस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका ड्रेस का खर्च, बुक का खर्च, हॉस्टल चार्ज, कंप्यूटर चार्ज और एडमिशन फ़ीस, ये सारी फ़ीस आपको देनी होती है, खुद से ही पे करनी होती है।
एंड इसके साथ एक और चीज़ होती है कि वैसे जॉब तो दोनों में ही गवर्नमेंट मिलती है, अभी तक तो मिलती आई है, आगे का और पता नहीं। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज के भी कुछ इसी तरीके के रूल होते हैं, आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, देन आपको उस कॉलेज में जाना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। बट वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे स्टाइफंड नहीं मिलता, वहाँ स्कॉलरशिप मिलती है जो कि ओबीसी एसटी एससी जनरल सारे बच्चे को और ईडब्ल्यूएस वाला सारे बच्चों को अलग अलग मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट और ऑटोनोमस कॉलेज में ये होता है कि किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो सबको 3,500 रुपये महीने मिलती है बीएससी नर्सिंग में। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करते हैं तो सभी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं सबको अलग अलग स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये चीज़ होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करेंगे तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी या फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करते हैं एंड देन उसके बाद एम्स वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं या फिर गवर्नमेंट से जो पोस्टिंग आती है वो एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट में आज बैठे हुए हैं। एंड इसके साथ ही आप रेलवे नर्सिंग वगैरह का एग्ज़ाम दे सकते हैं, मिलिट्री नर्सिंग का दे सकते हैं, तो काफ़ी सारे चांसेस हैं जॉब के, तो आप कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नर्सिंग कर लिया और बैठे हैं, सीएचओ वगैरह का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब जो है वो पा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही अगर आप 2024 में कम मार्क्स लेकर आए हैं 2025 के लिए MPPNST ANM GNM या फिर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एम्स इन सब चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि ये है कि जिन सर के पास से मैंने कोचिंग करी थी उनका एक ऑनलाइन बैच लॉन्च हो रहा है एंड इसके साथ ही वो ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो अगर आप भी इन सारे एग्जाम में से किसी एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको इनका कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए जो कि पूरे एक साल के लिए आपको मिलेगा। एक साल तक आपको डेली 5 घंटे की लाइव क्लासेस दी जाएंगी अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लासेस दी जाएंगी। एंड इसके साथ ही अगर आपकी जो फीस है, मतलब फीस में आपको बहुत बड़ा कंसेशन मिलने वाला है, अभी चल रहे हैं नवरात्र, तो नवरात्र में अगर आप एक वीक के अंदर इस कोर्स को परचेस करते हैं तो वैसे तो इस कोर्स का जो ऑनलाइन कोर्स का जो प्राइस है वो है 2199 रुपये, लेकिन आपको ऑफर में ये मिलेगा 1599 रुपये में। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करिए। एंड इसके साथ ही अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन इसका प्राइस जो है 12,000 रुपये है पूरे, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से सर से कांटेक्ट करते हैं जिनका नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो सर आपको पूरा पूरा डिस्काउंट देंगे और 10,000 में ही आपको एक साल का जो है ये कोर्स करवाएंगे। तो अगर आप भी सिलेक्ट होना चाहते हैं MPPNST और इसके अलावा बाकी सारे एग्जाम्स में, तो आपको ज़रूर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और इसके बाद अगर आप सर के रूल्स फॉलो करते हैं, सर के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि इनकी कोचिंग से अभी तक हर कॉलेज में कोई ना कोई बच्चा है, हर कॉलेज में आपको इनकी कोचिंग के बच्चे मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी ये जो है पढ़ाई कराते हैं और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इनके पास कोचिंग ज्वाइन करी है। मैंने ओनली 3 महीने इनके पास कोचिंग की थी और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हो गया था, और मैं लिटरली आपको बता रही हूँ कि इस इनकी कोचिंग के अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। काफ़ी सारे क्वेश्चन भी इनकी कोचिंग से जो हैं एग्ज़ाम में फंसते हैं, मतलब एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैंने तीन महीने भी पूरे पूरे नहीं हुए थे, 2 महीने ही हुए थे और PNST एग्ज़ाम की डेट आ गई थी, तो मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरे 72 मार्क्स उस टाइम पे आ गए थे। वो अलग बात है कि नॉर्मलाइजेशन में 68 हो गए थे और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो गई थी। इसके अलावा मुझे कहीं कोचिंग करने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप भी मेरे जैसे PNST एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं या फिर इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम में भी सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सर नीट लेवल की प्रिपरेशन जो है इनकी कोचिंग पे कराते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाय। अगर आपको PNST एग्जाम से, ANM से, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से, एम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।